नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष सेवा केंद्र संस्थापक पंडित अतुल शास्त्री अभी आप लोगों को एक झूठे गायक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनका नाम है जिला द्विवेदी। हमारा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश बस्ती जनपद के कप्तानगंज क्षेत्र में 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में प्रोग्राम था, जिसमें हमने जिला द्विवेदी जी को गायक के रूप में, भजन के रूप में आमंत्रित किया था। वो हमारे भागवत कथा में आए और 21 से लेकर 23 के बीच में उन्होंने इस प्रोग्राम को किया। उसके बाद संध्याकालीन उन्होंने हमें बताया कि उनकी माँ की तबीयत बहुत गंभीर ख़राब है, जिसके कारण उनको घर जाना पड़ेगा। मामला माँ का था, इसलिए हम लोगों ने आगे कुछ प्रेशर दबाव उनके ऊपर न डालते हुए उनको जाने की आज्ञा दिया। और जैसा कि हमें तुरंत पता चला कि 25 एवं 26 27 लगातार उनका पूर्व नियोजित प्रोग्राम जौनपुर भदोही इलाहाबाद में था और कुछ चंद पैसे के लालच में हमारा प्रोग्राम छोड़कर वहां पर गए। घर से यार चार पांच थोड़ा हमारे माता जी यार सीढ़ी से गिर गए हैं सवेरे 5-6 बजे। अब उनके हाथ से गोड़े में फ्रैक्चर हो गया बा। चाचा के लड़के है फोन के लड़के हैं जो मैं 3 जन कहूँ फोन आए भेजा हम कहा ऊपर से यार गाड़ी साड़ी व्यवस्था करके ले जा। गोपी गिरी ले गए नहीं यार क्या करिए समझ नहीं आता हमारे। और बात ही 7 बजे के आप मोबाइल असल में सोई थी सब बंद ही रखी थे। अब वही हम चालू ही करते गुरु और हम चालू हम कितना मान सम्मान मिला था जो हम बट की वो नहीं देख सकते आप जाना था महतारी से बड़ा क्यों बाना है भाई है ये बहुत चुती है बस सरवा उसे कौन मतलब इन बहुना है कबा। अब सारी देखभाल पिताजी है नहीं माता जी है यार हमारी देखभाल वहा सुशील भाई मेरा रू सब फोन कर कहा भाई कि ऊपर ग्रहण जो काम धंधा छोड़ दे और का बाबा के लिए आई जो बट बेहतर थी क्यों की गाड़ी जो ले आई के मैं रिक्वेस्ट निवेदन करब कि कौशलेंद्र शास्त्री से अतुल शास्त्री से एक अगरबत्ती आई ल अब गोड़ हाथ फ्रैक्चर भवा एक मतलब गोपीगंज लग गए हैं कहाँ लग गए हैं अब तो भर्ती करवाई करी मोटी सोड़े में चोट आई गया। अब यह रिक्वेस्ट कर लेते बाबा तो हम आज निकल रही जो बट या तो हम पहले निकल ले ज्यादा प्रेस करी तो जाप तो है ये आज किसी भी सूरत में चुकी लग गए हैं नोकचे या तो कार्यक्रम कराए के निकली तो हर आदेश हो और अगर पहले छोड़ देगा तो हम और हो जाए हम दिक्कत टेंशन न ले है एक बजे वही आए हैं तो बताए जैसे हो रही ही सुन लो बिना पीछे छोड़ दे उपजे रही ही उनमें खिताना उगावत है महाराज जी संकेत जने हैं उगावत है इनकर काम रुके न और 40 से 25 तारीख से उनका झांकी वाले भी आए जही दिव्य झांकी वाले सवेरे ही है वही सूचना मिला सो उठते है यार जो बा एक एक कह लेते अगर ज्यादा गुरु जी के प्रेशर हो आपके प्रेशर हो तो हम पता लगा लेते लेकर गए हैं समझा हम कार्यक्रम बलू संपन्न कराई के तब हम अब चौबे महाराज के ड्राइवर निकल ले तुरंत निकल ले फ्रैक्चर बाग ज्यादा फ्रैक्चर भगवान करे कुछ न हो। अब यार जानत रह कि वो नहीं माथे माथा बाजार बा हम समझा तक रुकब ना सुशील भाई तो कंफर्म बा तो पैसा मायने मत ले है पैसा मायने मत ले जो उनका इच्छा हो के काटे पीटे एक एक रहते दे दे जो तुम्हारी इच्छा हो के कराई दे वह पैसा हम जाने से आई है 2 रुपये बदे आई है ये भी दौड़ता पैसे में दौड़ता सुशील भाई ये पैसा अड़े न आए लेकिन अब रुकब ना देखे अब सवेरा जो बट्टे दिमाग में ही आई के जो बाकी यार पैसा न आया जैसे आई बनाए हम का खर्चे आज मान लो 24 हो गए आज 24 हो गए तो 2-3 दिन बड़े कहना और चिल्ला आपके अतिरिक्त नहीं मिल सकते कि आपका स्थान दे 3 दिन बड़े क्यों हाजिर हुई है एक भी परसेंट टेंशन न लहे काम उनका न रुके हमारे संगे जो अर्गन बजाओ थे स्वयं भागवत में जाता चूकी बताई दी तो है स्पष्ट हमारे चेला नहीं है ना हमारे संगे कमल बजाए हैं अच्छा हमारे ज्ञानपुर के हैं जो भेजे हैं हमारे जो भेजे हैं उनसे बात भाई बा ना हम का दे की बा ठीक बा समझे था ये भर के तो हम जनता नहीं रहे ना क्या किया अच्छा। जो अर्गनवा बजाओ थे बात तो पता चला जो बटे की जिला भैया हम पचे कमो यही करी थे जो बटे तीनों जने की हम अर्गन बजाई भजन गाई थे जो बटे और ये पचे को बजाओ थे अच्छा। गुरु जी काम न रुके उतने में जैसे बात भा हमारे उतने में उनका काम चले की चेला जी बोलवा अच्छा। और गुरु जी संगे जो चेला है देखा परों गायन है काली तीन गवा हो गावत है अच्छा।
और एक भी परसेंट दिक्कत न आए, ऐसा हो तो बताई दिया ना, महतारी है हमें आज कैसे पहुंचने नहीं बात किसी भी सूरत में, करोड़ों रुपया रहे वो हम छोड़ दे सुशील भाई। हाँ शाम तक अगर हो सकता था तो गुरु जी का आदेश हो तो आज शाम हम निपटाई के तब निकलब। अच्छा आज भरे के कौन दिक्कत गुरु जी के बा, काली से दिव्य झांकी उनका आवा था जोन बटे कहे जिला भैया 25 तारीख से दमदार झांकी आवा था, आज को केवल दिक्कत बा, दिक्कत कुछ रहे संभाल रही लड़का। अच्छा अगर लड़का संभाल ले ठीक बा, ना प्रेशर ज्यादा गुरु जी दे ही तो कोई दिक्कत नहीं बा, हमारा संभलवाई निकलब तजुए देखा सुशील भाई। अच्छा। अब रच के लगावा ज्यादा लगावा लेकिन निकल बाबा आज। हाँ देख ले ऐसे बचे रही छोड़ दे थी अब है नहीं बच्चन थे जो दूसरे जगह सोवत थे ना बचे चल फिर इन्होंने बताई देवे चिब रही ही इन्होंने कार्यक्रम करा एक बार जो बट्टा इन्होंने चंदा दक्षिणा देकर छोड़वा रज के देख लो मैनेज तो करना बा तोहरे मैनेज पर जो जिला आई है और मैनेज तो करना बा बताई दिया पैसा आने में उन्होंने बताया था दिक्कत ना लेकिन कौन चिकल जो टेंशन मगजमारी सोचत हो गए ना ओके हटाई दे टीम को दई दही जो न कही दे जो समझ में हो जिला को दई दही न देवे हुई गिन दही ठीक हम बतिया अब उनसे बतिया। अब आप लोगों से हम राय चाहते हैं प्रशासन जिला प्रशासन ये न्याय से हम न्याय मांगना चाहते हैं जनता की अदालत से आप लोगों का राय चाहते हैं ऐसे झूठे गायकों से बचे नहीं तो आपकी इज्जत भी जा सकती आपके यहाँ भी प्रोग्राम होगा और ऐसे चंद पैसे के लालच में प्रोग्राम छोड़कर दोबारा जा सकते हैं और जितना दिन उन्होंने प्रोग्राम किया उसकी धनराशि उनको उपलब्ध करा दी गई लेकिन पोस्ट फेसबुक पोस्ट के माध्यम से वो एक संत के ऊपर एक कथावाचक के ऊपर ऐसा लांछन लगा रहे हैं जो सरासर अन्याय है। हम जनता की अदालत में आप लोगों के माध्यम से प्रशासन एवं सभी क्षेत्र के मीडिया क्षेत्र के लोगों से यह निवेदन करेंगे कि ऐसे गायक को ऐसे भजन मंडली को इस क्षेत्र से समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और संत समाज का जो अपमान करे ब्राह्मण समाज का जो अपमान करे ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी सजा दिलानी चाहिए और क्षेत्र से बहिष्कृत करना चाहिए। मित्रों एक आज सूचना से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 2020 में मेरा एक प्रोग्राम बस्ती जिले में कप्तानगंज नट्टी देवी में चल रहा था 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में श्रीमद भागवत महापुराण का संगीतमय आयोजन था जिसमें हमने एक भदोही के कलाकार गुला द्विवेदी को आमंत्रित किया वो अपनी सह टीम के साथ में हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित हुए 21 22 और 23 को उन्होंने प्रोग्राम किया हमारे साथ 23 तारीख को सुबह उन्होंने हमें बताया कि हमारी माँ की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई उनके हाथ पैर में चोट आई है और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी माँ का तमाम प्रकार का कष्ट बताया। मामला बहुत ही माँ से जुड़ा हुआ था इसलिए हम लोगों ने कहा कि माँ से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई नहीं होता है, देव के पहले भी अगर किसी को दर्जा दिया जाता है तो माँ को दिया जाता है और माँ के विषय पर हम लोग कुछ कह नहीं सके और उन्हें जाने की आज्ञा हम लोगों ने दे दी। सुबह ही जब हम देख रहे हैं 25 और 26 तारीख को तो उनका पूर्व नियोजित प्रोग्राम जौनपुर और भदोही में वो लाइव प्रोग्राम करते हुए जो पहले से तय था कुछ पैसे चंद पैसों के लालच में वो उस प्रोग्राम में गए। कष्ट इस बात का हुआ कि एक प्रोग्राम करता हुआ व्यक्ति दूसरे प्रोग्राम में कैसे चला जाएगा। उसके बाद जितना दिन का उन्होंने प्रोग्राम किया था उसकी दक्षिणा उनको तुरंत दे दी गई थी जो कि मां का विषय था और ऐसे आयोजन को छोड़कर जाना किसी कलाकार को शोभा नहीं देता है कि चंद पैसे की लालच में किसी प्रोग्राम को छोड़कर चला जाए। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप तमाम प्रकार की चीजें लगा रहे हैं। आप लोगों से यह अवगत कराना, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है जिसपे उन्होंने अपनी मां का पूरा विषय चर्चा किया है, हमारे पास ये भी रिकॉर्डिंग और ये भी हमारे पास स्क्रीनशॉट इत्यादि उपलब्ध है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध है कि जिस पर उन्होंने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम का उन्होंने बताया कि हमारा पूर्व नियोजित प्रोग्राम था। अब वो दक्षिणा की मांग कर रहे हैं, ऐसे विषय में क्या दक्षिणा देना उचित है? आप हमें जरूर अवगत कराएं क्योंकि उनके जाने के बाद हमें तुरंत भजन मंडली की व्यवस्था करनी पड़ी और अयोध्या के प्रख्यात गायक करण अर्जुन को हम लोग आमंत्रित किए, उनके द्वारा
पूरा प्रोग्राम को हम लोगों ने यथाव्यवस्थित कार्य को संपन्न करा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा आयोजन करता है, 10-15 लाख रुपए अपनी भागवत कथाओं में वो खर्च करता है, तो ऐसे आयोजन में हम लोगों का परम दायित्व होता है कि सर्वप्रथम उसके सम्मान, उसके कार्यक्रम को कैसे से कैसे सफल किया जाए, ये हम लोगों का विशेष ध्यान रहता है। हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन जितने भी हमारे जनमानस हैं, जो जनता की अदालत जिसको कहा जाता है, हम सबसे निवेदन करेंगे कि ऐसे फरेबी ऐसे झूठे गायकों को इस देश से ही नहीं, प्रदेश से ही नहीं, देश से इसको बहिष्कृत करना चाहिए। और शासन और प्रशासन से ये मांग भी रखते हैं कि ऐसे गायकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जब किसी कोई चंद पैसे के लालच में किसी का सम्मान जा सकता है, कोई घर में इतना बड़ा आयोजन किया हो और उस चंद पैसे के लालच में अगर कोई गायक कोई भजन मंडली अगर आपको छोड़कर चली जाती है, तो उस व्यक्ति के डायरेक्ट संबंध उसके धन से तौल दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति करता है, तो हम शासन प्रशासन और जनता से निवेदन करेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जब भी हम आप लोगों से एक निवेदन और करेंगे, जब भी किसी प्रकार की ऐसी कोई पोस्ट या ऐसी किसी व्यक्ति के बारे में अगर डाला जाए, तो उस पर दोनों तथ्यों को समझकर तभी अपने कमेंट तभी अपनी टिप्पणी दर्शाएं। क्योंकि कई बार हमारी टिप्पणी हमारे कमेंट्स हमको महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे साधु संतों पर ऐसे आरोप जो लोग लगा रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन पर कड़ी निंदा करते हुए मैं शासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमें आप लोगों पर पूर्ण विश्वास है, जनता जनमानस से, कि ऐसे गायकों को ऐसे भजन मंडली को समाज से तुरंत बहिष्कृत करना चाहिए। जय भारत, जय माता दी।